बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफिस से होंगे। आज दोस्तों हमारा जावास्क्रिप्ट का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम ये सीखेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट में कोई भी चीज़ अगर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवानी हो तो वो हम किस कमांड के जरिए करवा सकते हैं। और देन हम आज की इस वीडियो में एक ये चीज़ सीखने वाले हैं कि कैसे हम HTML को जावास्क्रिप्ट मीन HTML के जो टैग्स हैं उनको कैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर इंक्लूड करवा सकते हैं। इससे पहले लेक्चर 1 के अंदर हमने इंट्रोडक्शन देखा, फिर लेक्चर 2 के अंदर हमने ये सीखा कि जावास्क्रिप्ट को HTML में ऐड करने के कितने मेथड हैं। तो दो मेथड थे, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में आगे फर्दर दो मेथड थे, एक हेड सेक्शन में और एक बॉडी सेक्शन में। इस तरह एक्सटर्नल के भी दो मेथड थे, एक हेड सेक्शन में इंक्लूड करवाना और एक बॉडी सेक्शन में। लेकिन हमने ये सीखा लेक्चर नंबर 2 में कि बॉडी सेक्शन में इंक्लूड करवाना ज्यादा बेहतर होता है, चाहे वो इंटरनल ऐड करें या एक्सटर्नल ऐड करें। ठीक हो गया, तो हम लिहाजा आइंदा से बॉडी सेक्शन में ही जावास्क्रिप्ट को ऐड करवा करेंगे, क्योंकि जितने भी डेवलपर्स हैं वो सारे बॉडी सेक्शन में ही जावास्क्रिप्ट कोड को ऐड करवाते हैं। ठीक हो गया, तो हम बॉडी सेक्शन में, हमारा बेसिक कोड है HTML का, हम बॉडी सेक्शन में आ गए हैं। और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को ऐड करने के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं जी, जावास्क्रिप्ट को ऐड करने के लिए आपको स्क्रिप्ट का टैग लेना पड़ता है। तो हम यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग लिया, ये स्क्रिप्ट का ओपनिंग टैग हो गया और ये क्लोजिंग टैग। अब इस स्क्रिप्ट के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर आपने जितना भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है वो सारे का सारा, चाहे वो 10,000 लाइंस ऑफ कोड हो, 20,000 लाइन ऑफ कोड हो, जितने भी हो, वो सारे का सारा कोड आप इस स्क्रिप्ट के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर लिखते हो, क्योंकि ये टैग स्पेशल जावास्क्रिप्ट के लिए ही बनाया गया है। या इसके अंदर आप jQuery या इस तरह की कोई भी प्लगइन यूज कर सकते हो। ओके, अब इस स्क्रिप्ट के टैग के अंदर अब मैं जाता हूँ, मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई मैसेज लिखना चाहता हूँ जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो। तो अगर आपने कोई भी चीज़ या कोई भी अपना मैसेज, कोई अपनी वैल्यू वेरिएबल की, ओके, कोई भी चीज़ मीन स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवानी हो, तो उसके लिए हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट। सिंपल क्या लिखते हैं, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के आगे डॉट राइट, WRITE राइट। तो आपने क्या लिखना होता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये ऐसा कमांड है या ऐसा कीवर्ड है जो क्या करता है, जावास्क्रिप्ट में आपकी कोई भी मैसेज या आपकी किसी वेरिएबल की वैल्यू स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाता है। देन उसके बाद आपने लगानी होती है डॉक्यूमेंट डॉट राइट के आगे राउंड कर्ली ब्रेसिस और लास्ट पे सेमी कॉलन मीन लाइन टर्मिनेटर। ठीक हो गया, ओके, इन राउंड कर्ली ब्रेसिस के अंदर आपने अपना जो भी मैसेज डिस्प्ले करवाना है या आपने किसी वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवानी है वो आप इन राउंड कर्ली ब्रेसिस के अंदर देते हो। एक चीज, दूसरी चीज ये, अगर तो आपने अपना मैसेज डिस्प्ले करवाना है, अगर तो आपने अपना मैसेज डिस्प्ले करवाना है जो आप चाहते हो कि जो मैं लिखूं सेम एज वैसे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो, इसे हम कहते हैं मैसेज। तो अगर हमने मैसेज डिस्प्ले करवाना हो उसे दोस्तों याद हो हम अपने सिंगल कोट के अंदर लिखते हैं, ओके, या हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। ठीक हो गया, मैसेज को। लेकिन अगर आपने किसी वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवानी हो तो उसके लिए हम सिंगल कोट या डबल कोट का इस्तेमाल नहीं करते, उसके लिए जस्ट हम वेरिएबल का नाम बताते हैं कि किस वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवानी है। अभी देखें यहाँ पे एक्स नाम का कोई हमारे पास वेरिएबल नहीं है, तो लिहाजा अभी मैं इसको डिस्प्ले नहीं करवाने वाला। ये जब हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे तब इंशाल्लाह हम इसको कवर करेंगे। तो आज फिर हम सिर्फ ये सीखेंगे कि मैसेज कैसे डिस्प्ले करवाते हैं और कैसे HTML के टैग्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे हम सिंगल कोट भी ले सकते हैं, ठीक है, तो सिंगल कोट के अंदर हम क्या लिख लेंगे, फॉर एग्जांपल खिजर शाल टेक्निकल, खिजर शाल टेक्निकल। ठीक हो गया, ये मैंने लिख दिया, ये अब मेरा क्या मैसेज है, ये आपको देखें स्क्रीन पे नजर आएगा। लेकिन अभी फिलहाल इसको हमने यहाँ से अपनी इस फाइल का लोकेशन उठानी है। तो अगर आपने फाइल का पाथ उठाना हो तो सिंपल उसका तरीका ये होता है कि आपने ये विजुअल स्टूडियो जो कोड है इसके यहाँ पे आपकी फाइल का नाम आ रहा है ऊपर, ठीक है, इस नाम के ऊपर आपने बिल्कुल राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ये देखें यहाँ पे आ रहा है कॉपी पाथ, तो आपने यहाँ से कॉपी पाथ कर लेना। करने के बाद आपने अपने वेब ब्राउजर पर जाना है और जाके पेस्ट कर देना इस पाथ को। मैंने इसे पेस्ट कर दिया, एंटर हिट किया और ये देखें यहाँ पे आ रहा है खिजर शाल टेक्निकल, ये जावास्क्रिप्ट से लिखा हुआ आ रहा है। ओके, तो मैं इसे थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है खिजर शाल टेक्निकल। ओके, देन उसके बाद आप यहाँ पे डबल कोट्स भी लगा सकते थे, तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स भी लगा सकता हूँ। तो इस सिंगल कोट को हटा के मैं डबल कोट्स लगा देता हूँ। ओके, ठीक हो गया, तो ये देखें मैंने डबल कोर्स यहाँ पे लगा दी। अब अगर आप इसे रिफ्रेश करेंगे अभी भी ये बिल्कुल ठीक काम करेगा। ठीक हो गया, ओके,
तो ये हमने सीख लिया कि हम कैसे अपना कोई भी मैसेज जो है स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। अब हम देखते हैं कि अगर हमने HTML का कोई टैग जावास्क्रिप्ट के अंदर इंक्लूड करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां मैंने लिखा खिजा शाल टेक्निकल, ओके ये एक मेरा मैसेज है। मैं चाहता हूँ ये जो मैसेज है ना ये H1 हेडिंग के साथ मैं लिखूं, तो उसका मतलब फिर ये होगा कि मुझे फिर इस खिजा शाल टेक्निकल को H1 हेडिंग में लिखना पड़ेगा। तो आपने अगर HTML किसी टैग को जावास्क्रिप्ट में यूज करना हो तो उसके लिए आप HTML के टैग को सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर लिखते हो, बगैर कोट्स के नहीं आप लिख सकते। ठीक है, ठीक होगा, यहां तक आपको क्लियर होगी बात कि आपने कभी भी HTML के टैग को जावास्क्रिप्ट के अंदर बगैर कोट्स के नहीं लिखना होता, कोट के अंदर आपने लिखना, चाहे वो आप सिंगल कोट में लिखो या डबल कोट में। अब देखिए मैं यहां पर डबल कोट के अंदर H1 हेडिंग ले लेता हूं, ठीक है, और इसको क्लोज कहां पे करना, इस जगह पे। अब आप गौर करना ये H1 हेडिंग की वजह से ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा आपका टेक्स्ट। ये रिफ्रेश करता हूँ और ये देखें ये आपने गौर किया ये H1 हेडिंग की वजह से कितना बड़ा हो गया, ओके ऑटोमेटिकली। अब मैं चाहता हूँ मैं इसे थोड़ा बोल्ड भी करूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखें मैं यहाँ पे आता हूँ, तो बोल्ड करने के लिए आपको पता हमारे पास बी टैग होता है, ओके, और बी टैग को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। चलिए मैं खिजर को सिर्फ बोल्ड करता हूँ, तो मैंने सिर्फ खिजर नाम को बोल्ड कर दिया। तो अब आप जरा गौर करना, ये रिफ्रेश करता हूँ और ये देखें अभी इसको फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि ये आपको पता है हेडिंग बाय डिफॉल्ट बोल्ड होती है, ओके। अब चलिए मैं आपको इटैलिक करके दिखाता हूँ, तो इटैलिक करने के लिए आपको पता है हमारे पास HTML के अंदर आई टैग होता है, तो ये आई का ओपनिंग टैग और ये आई का क्लोजिंग टैग, तो मैंने आई टैग के अंदर खिजर को बंद कर दिया। तो लिहाजा ये रिफ्रेश करता हूँ और ये देखें ये आपने गौर किया खिजर नाम जो है वो इटैलिक मीन थोड़ा तिरछा तिरछी शेप में चला गया, ओके, क्यों, क्योंकि क्योंकि हमने इसको इटैलिक टैग दे दिया। देन इस तरह फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी चीज़ को अंडरलाइन करना हो, तो फॉर एग्जाम्पल मैं टेक्निकल को अंडरलाइन करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं टेक्निकल को अंडरलाइन के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर बंद करूंगा। तो अंडरलाइन के लिए आपको पता है HTML में हमारे पास यू टैग होता है, तो मैंने यहाँ पर लगाया यू टैग, ये ओपनिंग टैग हो गया और इसको यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं आपको इसको चेक करवाता हूँ, ये करता हूँ रिफ्रेश और ये देखें ये टेक्निकल क्या हो गया, अंडरलाइन हो गया, ठीक है। इस तरह और से और हमारे पास बहुत से टैग हो सकते हैं, उन्हें हम यूज कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा अब एक और मैं टैग की एग्जाम्पल आपको देता हूँ और फिर इंशाल्लाह आज की हमारी वीडियो कवर अप हो जाएगी। अच्छा फॉर एग्जाम्पल आपने अगर इस अपने जो टेक्निकल आ रहा है इस टेक्निकल को अगर आपने नीचे वाली लाइन में लेके जाना हो तो उसके लिए अब क्या करोगे, या आपने फॉर एग्जांपल चले नीचे वाली लाइन में नहीं, हम ये करते हैं कि अगर हमने किसी शाल टैग के लिए नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन देनी हो तो उसके लिए आपको पता है हमारे पास HTML के अंदर HR का टैग होता है, HR का टैग करता है आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता है। तो मैं इस हेडिंग के बाद चाहता हूँ एक लाइन आए, तो मैंने HR का टैग ले लिया और HR का सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, ओके, ये आपने बात याद रखनी है। तो ये देखें यहाँ मैंने H1 हेडिंग के फौरन बाद क्या किया, एक HR का टैग ले लिया, ये करेगा ये हमारे वेबसाइट के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड कर देगा। तो ये मैं करता हूँ जी रिफ्रेश और ये देखें ये आपने गौर किया ये आपकी वेबसाइट पर एक लाइन ऐड हो गई है, ये किसके साथ आई है, HR के टैग के साथ। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने ये सीखा, इसी तरह आप HTML के और बहुत से टैग जो है ना इसमें इंक्लूड करवा सकते हैं, तो मैंने आपको चंद एक की एग्जाम्पल दे दिया। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने ये सीखा कि हम जावास्क्रिप्ट के जरिए कैसे अपना मैसेज या अपनी कोई वैल्यू वेरिएबल की कैसे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा सकते हैं, इसके अलावा हम कैसे HTML के टैग्स को जावास्क्रिप्ट में इंक्लूड करवा सकते हैं। तो ये होपफुली आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और इस तरह की अच्छी वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल खिजर शाल टेक्निकल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।